गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता के बारे में। स्वतंत्रता क्या होती है और उसके कौन कौन से पक्ष होते हैं। तो सबसे पहले स्वतंत्रता का अर्थ हम कैसे लगा सकते हैं, स्वतंत्रता क्या होती है। मतलब अगर हम आसान और सरल शब्दों में बात करें तो स्वतंत्रता का अर्थ होता है मतलब अपने मन से या अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी काम को करने की स्वतंत्रता। ठीक है, ये स्वतंत्रता की बेसिक डेफिनेशन या बोल लीजिए सरल अर्थों में अगर हम स्वतंत्रता को डिफाइन करना चाहें, उसकी परिभाषा देना चाहें, तो स्वतंत्रता का अर्थ आम बोलचाल की भाषा में इसी से लगाया जाता है कि कोई भी काम को अपनी मन मर्जी से करने की जो हमारी स्वतंत्रता होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता। ठीक है, कोई भी काम हम कैसे कर पाए, अपने इच्छा के अनुसार कर पाए, हमें कोई भी रोक टोक ना हो, हमारे ऊपर किसी भी बंधनों का क्या हो, अभाव हो, कोई भी हमारे ऊपर बंधन या रेस्ट्रिक्शन ना लगाए जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो बड़े बड़े विचारक हैं, जो थिंकर्स हैं, उन्होंने स्वतंत्रता को कितने भागों में कैटराइज किया है, दो भागों में उन्हें बांटा है, मतलब उसके दो पक्ष बताए हैं। उसके कौन कौन से बताए, एक तो नकारात्मक स्वतंत्रता और एक सकारात्मक। उन्होंने क्या बोला है कि स्वतंत्रता कैसे, स्वतंत्रता के कितने पक्ष होते हैं, दो पक्ष। हम स्वतंत्रता को दो पक्षों में समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम आज किसके बारे में समझेंगे, नकारात्मक स्वतंत्रता। अब नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है, नकारात्मक स्वतंत्रता के जो समर्थक हैं, मतलब कि जो इसे सही मानते हैं कि उनके हिसाब से ये स्वतंत्रता इसी प्रकार की होती है और ऐसी ही स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति को मिलनी चाहिए। तो नकारात्मक स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो इसमें पूर्ण तरह से क्या माना गया है, बंधनों का अभाव, मतलब कि व्यक्ति के ऊपर कोई भी बंधन नहीं होना चाहिए, बंधनों का अभाव व्यक्ति के ऊपर क्या नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का बंधन, मतलब कि जो राज्य है, जिस राज्य में हम रहते हैं उसमें व्यक्ति को किसी भी प्रकार से कोई भी काम करने के लिए मना नहीं करना चाहिए, राज्य को उसके ऊपर किसी भी तरह के रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाने चाहिए, उसकी स्वतंत्रता से लेकर व्यक्ति को पूरी तरीके से स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए कि वो अपने से रिलेटेड कोई भी फैसले करने के लिए स्वतंत्र है। अब जो नकारात्मक स्वतंत्रता है उसके जो प्रबल समर्थक माने जाते हैं वो कौन माना जाता है, जेएस मिल। कौन माना जाता है, जेएस मिल। जेएस मिल है जो, वो एक व्यक्तिवादी विचारक है। व्यक्तिवादी विचारक का मतलब व्यक्ति को ज्यादा महत्व प्रदान करते हैं राज्य की अपेक्षा। वो क्या मानते हैं कि व्यक्ति क्या है, साध्य है, और राज्य क्या है, साधन है। ठीक है, तो उनको उनके अनुसार राज्य को किसी भी प्रकार से व्यक्ति के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, व्यक्ति के ऊपर किसी भी तरह के बंधनों को नहीं लगाना चाहिए। किसके लिए बोला है ये, उन्होंने राज्य के लिए बोला है। ठीक है, ये उनकी कौन से सरकार की कौन सी स्वतंत्रता का प्रमाण देती है, ये नकारात्मक स्वतंत्रता। लेकिन अपनी स्वतंत्रता को समझाने के लिए उन्होंने व्यक्ति को एक लिमिट तक ही स्वतंत्रता प्रदान की है। उसके जो उन्होंने पुस्तक लिखी थी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, उसमें उन्होंने दो व्यक्ति के दो एक्शंस बताए हैं, मतलब कि एक प्रकार से दो पक्ष बताए हैं उसकी स्वतंत्रता के। कौन कौन से पक्ष बताए, एक तो उन्होंने जो खुद से संबंधित होता है, स्व संबंधित, और एक होता है पर संबंधित। मतलब कि सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन एंड अदर रिगार्डिंग एक्शन। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन का मतलब होता है जो व्यक्ति की खुद से संबंधित होते, स्व मतलब कि खुद व्यक्ति के अपने आप से संबंधित जो उसके एक्शंस होते हैं, जो उसके काम होते हैं, वो उन्होंने किसमें रखे हैं, उसके सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन में। एंड दूसरा उन्होंने बताया अदर रिगार्डिंग एक्शन, मतलब कि व्यक्ति कुछ ऐसे काम भी करता है जो उसके उसका सीधा सीधा प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है, दूसरे व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। तो उसको उन्होंने क्या बोला है, पर
वाली हॉबी फॉलो कीजिए, ये आप ये काम नहीं कर सकते। अगर मेरा प्रोफेशन टीचिंग है तो राज्य आके मुझ पर ये प्रतिबंध नहीं लगा सकता कि नहीं आप टीचिंग नहीं कीजिए, आप कोई और काम कर लीजिए। तो ये इसका क्योंकि ये किससे संबंधित है, ये खुद मुझसे संबंधित है, मतलब मेरे सेल्फ से संबंधित है। तो ये डिसीजन किसके होंगे, ये मेरे होंगे। तो ऐसे डिसीजन या ऐसे कामों को जो मिलते उन्होंने किसके अंदर रखा है, स्व संबंधित, मतलब कि सेल्फ गाइडिंग एक्शन के अंदर रखा है। और जिसके संबंध में उन्होंने बोला है कि ऐसे एक्शन के ऊपर राज्य को कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाने चाहिए, ये इसमें व्यक्तियों को पूरी तरीके से क्या कर देना चाहिए, स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। उसके बाद उन्होंने दूसरा बताया है अदर रिगार्डिंग एक्शन। अदर रिगार्डिंग एक्शन में उन्होंने क्या बोला है कि अगर व्यक्ति कोई ऐसा काम करता है जिसका सीधा सीधा इफेक्ट दूसरों के ऊपर पड़ता है, उसका नकारात्मक इफेक्ट, मतलब कि अगर जैसे कि मेरा मेरी ये स्वतंत्रता है कि मैं रोड पे गाड़ी चलाऊं, लेकिन अगर मैं ट्रैफिक नियमों को फॉलो नहीं करती हूँ, जैसे कि मैं अगर अपनी गाड़ी लेके निकली हूँ और मैं ट्रैफिक नियमों को फॉलो नहीं कर रही हूँ, या मैं मुझसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी ऐसी दुर्घटना हो जाती है, तो इसका सीधा सीधा इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है, दूसरे व्यक्तियों को ऊपर पड़ता है। तो ऐसे कारणों में उसने क्या किया है, राज्य को स्वतंत्रता प्रदान की है कि राज्य क्या कर सकते हैं, राज्य व्यक्तियों के ऊपर प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो उसने कौन सा प्रतिबंध लगाने को बोला है, अदर रिगार्डिंग एक्शन, मतलब कि राज्य कब प्रतिबंध लगा सकता है व्यक्तियों को, जब उसके काम से दूसरे व्यक्तियों के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, मतलब उसके अदर रिगार्डिंग जो एक्शन होते हैं उन पे प्रतिबंध लगाने की छूट जेएस मिल राज्य को देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति के सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन से उसकी खुद से संबंधित जो काम होते हैं, जो उसके डिसीजन सिर्फ और सिर्फ किसे लेने चाहिए, व्यक्ति को स्वयं लेने चाहिए, उनके ऊपर राज्यों का किसी भी प्रकार का प्रतिबंध उसने क्या किया है, उसे बिल्कुल नकारात्मक तरीके से देखा है कि राज्यों को ऐसा प्रतिबंध नहीं।